प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरू करते हैं 100 बड़ी खबरों की। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, देश छोड़ने पर रोक। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले, खुलेआम घूम रहा हूं मोदी जी, बताएं कहां जाऊं। करवा चौथ को लेकर राजस्थान के मंत्री का बयान, कहा यहां महिलाएं छलनी से चांद देखती हैं, और विदेश में बीजेपी ने जताई आपत्ति। जब मोदी ने सीबीआई पर उठाए सवाल, तब सिसोदिया ने भी वीडियो शेयर कर कसा तंज। सिसोदिया ने लिखा, सीबीआई छापे के बारे में मोदी जी इस बयान को जरूर सुने। अब तक 5 हमने मारे हैं, राजस्थान के भाजपा के पूर्व विधायक का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता का बयान, 5 हमने मारे हैं, बयान महुआ। मोहित्रा का तंज, कहा बिल्किस के बलात्कारियों का स्वागत करने वाले स्क्वाड को गुजरात से राजस्थान भेजिए। पंजाब में हमले की शादी, चंडीगढ़ और मोहाली टहलाने के फिराक में पाक आईएसआई, 2 दिन बाद पीएम मोदी का दौरा। सीसीटीवी कैमरे में मूसेवाला की रेकी, पड़ोस के घर में मिले, सिद्धू की हवेली की तरफ मुंह था, मोबाइल जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू करी। गाड़ी नहीं खरीदेंगे, किसी को पैर नहीं छूने देंगे, तेजस्वी ने राजद कोर्ट के मंत्री के लिए बनाए नियम, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा। गुजरात हाई कोर्ट के गैंगरेप के आरोपी को जमानत दी, कोर्ट ने कहा पीड़ित केस के बाद भी आरोपी के साथ घूमती रही, आरोप गलत लगा रहा है। पटना के मनेर में बड़ा हादसा, बाबू लोडिंग नाव गंगा में डूबी, 15 लोग हुए लापता, सूचना के बाद प्रशासन मामले के क्षेत्र से बाहर बता रही है। भारी बारिश के कारण उफान पे नदियां, कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात, ऋषिकेश में रिहायशी इलाके पानी में डूबे। हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 घटनाएं, 21 की मौत, रेलवे ब्रिज ढहा, मंडी चंबा और कांगड़ा में स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई का दावा, एलजी की मंजूरी मिलने से 6 दिन बाद बदल दिए गए थे एक्साइज पॉलिसी के नियम। शिवराज बोले, मुझे यह अहम नहीं कि मैं ही योग्य हूं, संसदीय बोर्ड के से हटाए जाने को कहा, पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा, सोचा नहीं था सीएम बनूंगा। गुजरात कैबिनेट में 2 बड़े बदलाव, त्रिवेदी ने राजस्व विभाग लेकर साध्वी को सौंपा पुणेश का सड़क पर एवं भवन मंत्रालय पंचाल को। श्रीकांत त्यागी केस में नोएडा में आज महापंचायत, 7 राज्यों से लोगों के जुटने का दावा, कई रास्तों पर रूट डायवर्जन। गाजियाबाद में बीजेपी की 38 जिलों की बैठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद, चुनावी तैयारियों पर फोकस। सहारनपुर में 10 ताले तोड़कर घर से 30 लाख की चोरी, मोबाइल फोन, व्यापारी परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने गया था, पुलिस ने खंगाला सीसीटीवी कैमरा। दलितों की राह पर आज भी दबंगई की फिसलन, मुजफ्फरनगर में दलितों के साथ घटित हो रही है रितान गला जैसी घटनाएं, पौटी खुर्द और बिहारगढ़ के भी उदाहरण।
एटा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, संपन्न निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों ने फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं का लिया लाभ। रायबरेली में दबंगों से परेशान युवक ने किया सुसाइड, नोट में लिखा मम्मी पापा हमें माफ कर देना, मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पाया। इलाज के दौरान लापरवाही, एक की एक और मौत, जौनपुर में चार दिन हुई दो मौतें, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मासूम बच्चे को किया बरामद, बच्चे की मां ने पुलिस से कहा आपने बचा ली मेरी जिंदगी। गोंडा में प्रधान की मनमर्जी से मजदूर परेशान, मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से कराया जा रहा है काम, अमृत सरोवर तालाबों में लगाई गई है जेसीबी। मेरठ में 8 साल से घर में बना रहा था नकली प्रोटीन, पुलिस ने 42 लाख रुपए और 1 करोड़ की दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। पीलीभीत में ग्रामीणों को बंधक बनाकर बदमाशों ने पीटा, पूछे अमीरों के मकान का पता, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में स्कूल के लिए निकली नवी की छात्र छात्रा, एक साथ भागे, सीसीटीवी कैमरे की में से हुई इस जानकारी का पता, आलम अंबाला में मिली लोकेशन, बरामदगी को पुलिस टीम रवाना। राजस्थान में दलित बच्चे की मौत पर प्रदर्शन, हरदोई में सामाजिक संगठनों ने किया विरोध, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। शाहजहांपुर में 2 दिन पहले बुजुर्ग ने की थी आत्महत्या, फैक्ट्री मालिक पर लगाया आरोप, रसूख के आगे पुलिस बेबस। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का पानी उतराना शुरू, किसान बोले इस साल भी सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, बीते साल का भी नहीं मिला मुआवजा। लखीमपुर खीरे के निघासन, अज्ञात वाहन और बाइक में आमने सामने टक्कर, हादसे में एक और मौत, एक गंभीर, लखीमपुर से घर लौट रहे थे। चंदौली में धान की खेती पर पड़ा सूखे का असर, सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसान, लोगों ने उठाई सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। आगरा में बहन ने भाई पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, कहा परिवार में लड़कियों को मिलती है सिर्फ गालियां और पिटाई। बांदा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार, 9 दिन पहले बिजली कर्मचारी बनकर चिल्ला में की थी लूट। चंदौली में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, बोले कार्रवाई के बजाय थाने से भगा दिया। साक्ष के अभाव में पूर्व भाजपा विधायक बरी, रायबरेली में पूर्व विधायक की लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। बाराबंकी में ग्राम प्रधान चुनाव में फर्जीवाड़ा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर महिला बन गई ग्राम प्रधान, एसडीएम बोले मामले की होगी जांच। सीएम योगी का ऐलान, नहीं कटेंगे किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों को मिलेगी पूरी बिजली, यूपी के 19 जिलों में 40% से कम हुई बारिश। पत्नी ने प्रेमी के साथ कराई पति की हत्या, अलीगढ़ के इगलास का मामला, 1 लाख में किया सौदा, 15,000 दिए थे एडवांस। घास काटते समय किसान को सांड ने पटका, मौके पर मौत, मुजफ्फरनगर के हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, 5 लाख मुआवजा की घोषणा की मांग।
ताजमहल बना बच्चों का स्विमिंग पूल, 30,000 पर्यटकों को ताज दिखाने में बिगड़ गई व्यवस्थाएं, पर्यटकों ने बारिश का उठाया लुत्फ। बीजेपी नेता को कार में रंगरलियां मनाते पकड़ा, पत्नी सास ने नेता और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा, बाल नोचकर घसीटा। गाजीपुर के जमानिया स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी, ट्रैक बाधित, 3 घंटे तक जहां तहां रुकी गई ट्रेनें, दानापुर के सकल ही डीहा जा रही थी। हमीरपुर में हुई दरिंदगी की मंत्री को नहीं है जानकारी, विपक्ष कर रहा है जंगल राज की बात, पीड़िता का अब तक नहीं पता चला। अमरोहा में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, चेहरे और सीने को जलाया, जमीन बेचने से किया था मना, 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश ने बरपाया कहर, डीएम साहब बचा लो नहीं तो सब तबाह हो जाएगा, चीख पुकार मच रही है, जिंदा दफन हो गए 4 लोग। उत्तराखंड में नदी का जलस्तर बढ़ा, यमकेश्वर में रिजॉर्ट में फंसे 2 यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। उत्तराखंड में सियासी हलचल, कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लगाएंगे नई टीम की मुहर, पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की विदाई तय। उत्तराखंड में बारिश ने दिखाया तबाही का मंजर, इस साल 36 लोग गंवा चुके हैं आपदा में अपनी जान, 13 लापता। उत्तराखंड में भू कानून विवाद, जमीन घपले की जांच टास्क फोर्स करे, समिति के अध्यक्ष ने कहा कि नई नीति से निवेश नहीं होना होगा बाधित। उत्तराखंड में तबाही, देहरादून जिले में बारिश ने तोड़ा पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हुई बरसात। उत्तराखंड में 917 पदों पर हुई भर्तियों पर सवाल खड़े, गड़बड़ी और यौन उत्पीड़न की शिकायत पर होगी जांच। उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, 118 नए संक्रमित मिले, दून की सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। उत्तराखंड के पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, रामनगर का स्टोन क्रशर संचालक गिरफ्तार, हाकम सिंह का पुराना जानकार है मनराल। श्रद्धालु ध्यान दे, उत्तराखंड के 2 धामों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, नहीं ले जा सकते हैं ये सामान। उत्तराखंड के गढ़वाल को देहरादून से जोड़ने वाली सड़क की ओर बह रही है उफनाती चंद्रभामा नदी, हाईवे हुआ खतरनाक। उत्तराखंड में डोडी ताल ट्रैकिंग के दौरान एक एनआरआई लापता, खोजबीन में जुटी एसडीआरएफ की टीम और वन विभाग की टीम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की चित्तई गोलेजू मंदिर की संध्या पंत की याचिका खारिज की, हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दहेज में 15 लाख और क्रेटा नहीं देने पर महिला को 3 तलाक देकर घर से निकाला। उत्तराखंड के पछतावा तून से भागकर बारिश से भारी नुकसान, 17 झोपड़ियां जलकर कराई खाली, 90 लोगों को किया रेस्क्यू। तालिबान की कैद में अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर, जहां अल जौहरी मारा गया वहीं शूटिंग कर रहा था, जासूस होने का शक।
पुतिन के राइट हैंड की बेटी की धमाके में मौत। अलेक्जेंडर दुगिन का बेटी की कार उड़ाई। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट। ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में पीछे चल रहे हैं ऋषि सकुन। कर सकते हैं चमत्कार जन्माष्टमी के ठीक बाद मिल इस बड़े नेता के साथ। अमेरिका के गुआम नौसैनिक अड्डे को तबाह कर सकते हैं चीन और नॉर्थ कोरिया। बाइडेन तैनात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र। इमरान खान की बोलती हुई बंद। पाकिस्तान सरकार ने भाषणों के लाइव प्रसारण पर लगाई रोक। पुतिन के राइट हैंड बेटी की धमाके में मौत। अलेक्जेंडर दुगिन का बेटी की कार उड़ाई। यूक्रेन में अपने नागरिकों को किया अलर्ट। स्वीडन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, एक की मौत, दो घायल। शूटर का आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं। इमरान खान पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। अवैध फंडिंग मामले में पाक जांच एजेंसियों ने कसी नकेल। मेरी एक फैमिली लाइफ है, मैं जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं ली। विवादों में घिरी फिनलैंड की पीएम सना मरीन का विरोध। विरोधियों को जवाब। १९८२ के बाद भूमध्य सागर का पानी सबसे अधिक गर्म। खतरे में समुद्री जीव। भूमध्य सागर के आसपास देखा गया तापमान बढ़ने, वैश्विक तापमान का संकेत। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड निवेश का मौका, कल से इसमें लगा सकेंगे पैसा। एक ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे ₹5,147। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च। नया इंजन पुराने की तुलना में 55 किलोग्राम हल्का। एडवांस फीचर्स के साथ 14% ज्यादा माइलेज मिलेगी। एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट को ब्याज दरों में बढ़ोतरी। पीएनबी ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप। डिलीट किया मैसेज रिकवर भी कर सकेंगे। बीटा यूजर के लिए जारी हुआ नया फीचर। एयर इंडिया ने शुरू की 24 नई घरेलू उड़ानें। मेट्रो शहर के बीच सुधरेगी कनेक्टिविटी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के ग्रीक्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कच्चा तेल $96 प्रति बैरल से नीचे। दुनिया भर में मंदी की चिंता के कारण कीमतों में गिरावट। शिवा इनू के बर्न रेट में 322% की बढ़ोतरी। कीमत बढ़ने के संकेत। वीकेंड पर शिवा इनू की कीमत 35% बढ़ सकती है। टू व्हीलर बिक्री के मामले में स्प्लेंडर टॉप पर। जुलाई में इसकी 2.50 लाख यूनिट बिकी। 2.13 लाख यूनिट बिक्री के साथ होंडा एक्टिव दूसरे नंबर पर। वी वर्क के पूर्व सीईओ एडम न्यूमैन लॉन्च करेंगे डिजिटल वॉलेट। कंपनी का रियल एस्टेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी वॉलेट पर काम करेगा। स्कूटी राइड्स पे निकले विराट। अनुष्का विराट ने काले हेलमेट से मुंह छिपाया। अनुष्का छाता लेकर बैठी थी, फिर भी लोग पहचान गए। बेटी के कहने पर घरेलू लीग खेलेंगे वार्नर। 9 साल बाद बिग बैश में वापसी। सिडनी थर्डर्स के साथ 2 साल का करार।
ओडीआई में लगा दोहरा शतक, बल्लेबाज ने 11 छक्के 18 चौके, जमकर मचाया गदर, क्रिकेट में आया भूचाल। शेन वॉटसन ने चुने विश्व क्रिकेट के बिग फाइव बल्लेबाज, बाबर आजम को बताया नंबर दो और नंबर वन पर हैं बैटर। ग्रीम स्मिथ ने विराट कोहली का जमकर की तारीफ, पूर्व कप्तान बोले सिर्फ प्रतिष्ठा देश या बड़े क्रिकेटर देश इस समय टेस्ट क्रिकेट में योगदान दे रहे हैं। टीम इंडिया ने लगातार चौथी वनडे सीरीज जीती, दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, संजू सैमसन और शार्दुल रहे जीत के हीरो। एशिया कप में पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर, वर्ल्ड कप में कोहली रोहित और राहुल को किया था आउट। लंदन में थमेगी चकदा एक्सप्रेस, भारत की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी ने किया संन्यास का ऐलान, लॉर्ड्स में आखिरी वनडे खेलेंगी। सैमसन ने वही किया जो धोनी करते थे, भारत को मैच जिताने के लिए लगाया छक्का और फैंस का दिल लूट लिया। भारत जिम्बाब्वे मैच के दौरान आपस में भिड़े भारतीय खिलाड़ी, मैदान पर हो गया कुछ ऐसा। आलिया भट्ट जल्द बदलेंगी अपना सरनेम, बोली मुझे ये सारी चीजें करनी है और मुझे ये करते हुए बेहद खुशी होगी। आलिया भट्ट की पहली कमाई, एक्ट्रेस को पहली फिल्म के लिए मिली थी 15 लाख फीस, मां को थमा दिए थे पैसे। जिया सुसाइड केस में साइकोलॉजिस्ट ने किया खुलासा, बोली इंटरव्यू में सूरज पंचोली कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पेपराजी में लव बर्ड्स को किया कैमरे में कैद, कियारा सिद्धार्थ करण जौहर के ऑफिस के बाहर हुए स्पॉट, अगली फिल्म के साथ आ सकते हैं नजर। सौ दिन में पूरी हुई लाइगर की शूटिंग, डायरेक्ट पूरी जगन्नाथ बोले 10 घंटे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे विजय देवरकोड़ा। कठपुतली ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार ने दमदार परफॉर्मेंस दी, कठपुतली की तरह डांस कर एक्टर ने जीता सबका दिल। केजीएफ स्टार यश नवाजुद्दीन के साथ करना चाहते हैं काम, एक्टर ने कहा मुझे नवाज अद्भुत कलाकार लगते हैं। कमाल आर खान ने ट्वीट में लगाया पत्नी का सरनेम खान हटाकर लगाया कुमार, यूजर बोले यह बोल्ड डिसीजन है। बॉलीवुड फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस पर बोले अक्षय कुमार, मुझे समझना होगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए, फिर बदलाव करने होंगे। नेटिजन्स के निशाने पर आई करीना कपूर, कहा मेरी वजह से बड़ी है रेलवे की आय, टूलर्स बोले इनको रेलवे की पेंशन दिलाओ। फिलहाल 100 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम